हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल अर्नेस्ट फिजिशियन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नैट्रम ग्रुप को हम पढ़ने वाले हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को और उसकी जनरलिटीज़ को फिजिकल और मेंटल प्लेन पे। इससे पहले हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको अगर डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर समझ में आ जाती है, उसको हम लोगों ने सिम्टम्स को नैट्रम के यानी कि सोडियम के सिम्टम्स को हम लोगों ने कंपेयर किया था फिजिकल और मेंटल लेवल पर, अगर वो आपको अच्छे से समझ में आता है तो ये रेमेडी को आपको समझने में और याद करने में बहुत इजी हो जाता है, और साथ आप इस रेमेडीज़ के सिम्टम्स को अपने माइंड में खुद ही डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी हो, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को पहले चेकआउट कर लें। उसमें आपको बहुत ईजिली और कम्प्लीटली समझाया गया है विथ थीम कि क्या सार है नैट्रम ग्रुप की रेमेडीज़ का। तो लेट्स जस्ट बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात करें जनरलिटीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि नैट्रम ग्रुप का पेशेंट कैसा दिखता है। पहले फिजिकल मेकअप की बात करते हैं, तो जो नैट्रम ग्रुप का जो पेशेंट होता है वो बल्की होता है, यानी थोड़ा थिक होता है, फ्लैबी होता है, मोटा होता है, ओबीज होता है, और उसका जो पेशेंट का जो स्किन होता है वो वैक्सी होती है, चमकती हुई स्किन रहती है, ठीक है, फूली हुई सूजी भी रहती है। क्योंकि हमने बात की थी कि जो सोडियम होता है वो क्या करता है, वाटर का बैलेंस करता है बॉडी में। तो सोडियम अगर एक्सेस हो जाएगा तो वाटर क्या रिटेन होगी बॉडी में, तो क्या होगा, एडिमा देखने को मिलेगा। तो इसीलिए उसकी जो स्किन होती है वैक्सी, पेल देखने को मिलती है, पेल और एनीमिक देखने को मिलते हैं हमें पेशेंट के स्किन, क्योंकि हमें पता है कि जो सोडियम होता है वो अल्टरनेशन करता है ब्लड के कंपोजिशन में, तो उससे एनीमिया प्रोड्यूस होता है। वो हम आगे सिम्टम्स पढ़ेंगे फिजिकल जर्नल्स पर और क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं उसकी नेक्स्ट सिम्टम्स की कि टेम्परामेंट क्या होता है उसका। ठीक है, तो टेम्परामेंट हमें पता ही चल गया कि हम लोगों ने बात कर रहा था वो कितना सैड होता है, ग्रीफ होता है, ब्रूड करता है अपने दुखों को लेकर के, तो वो मेलनकॉलिक होता है टेम्परामेंट, मतलब कि वीपिंग टेंडेंसी रहती है उसमें। ठीक है, रोता तो होता है वो बहुत। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट उसके टेम्परामेंट की बात हो गई, अब हम बात करेंगे थर्मल्स की, यानी कि उसको ठंड ज़्यादा लगती, ठंड से ज़्यादा कंप्लेन बढ़ती है फिर गर्म से। तो जो नैट्रम के जो इन जनरल उस वो पेशेंट्स चिली होते हैं, यानी कि उनको ठंड से ज़्यादा उनकी कंप्लेंट्स एग्रावेट होती है। पर देखिए, अगर हम नैट्रम म्योर को, जो नैट्रम म्योर हमेशा हमें याद रहती है नैट्रम रेमेडी, तो नैट्रम म्योर में जो होती है वो हॉट होते हैं पेशेंट्स, ठीक है, उन्हें गर्मी से ज़्यादा कंप्लेंट्स एग्रावेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम डायथीसिस की, यानी कि इन पेशेंट्स को क्या डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इनमें ज़्यादातर रोमैटिक और गाउटी डायथीसिस देखने को मिलता है। अब रोमैटिक और गाउटी को अगर हम लॉजिकली सोचें तो हमें पता चल गया कि सोडियम क्या करता है, फ्लूइड का बैलेंस करता है, और अगर हमने पढ़ा हो उसके डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर तो हमने उसमें पढ़ा था जैसे रॉक सॉल्ट होता है, क्रिस्टलाइज फॉर्म में होता है, और उसी तरीके से फिजिकल प्लेन पे इसके सारे जो कंप्लेंट्स होते हैं वो स्टैग्नेशन यानी रुकावट की वजह से हो जाता है। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड की वजह से होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा है, अगर हमें पता है रोमैटिक में क्या होता है, रोमैटिक कंप्लेंट्स में क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड क्या हो जाते हैं, एक्सेसिव इकट्ठा एक्यूमुलेट हो जाती है। ठीक है, और तो फिर उसमें क्या हो जाता है, जो जॉइंट्स होते हैं वो स्वेल्ड अप हो जाते हैं, तो इसमें भी क्या हो रहा है, फ्लूइड का डिसबैलेंस हो रहा है। इसी तरीके से गाउटिंग में कंप्लेंट्स में यूरिक एसिड क्या हो जाता है, वो ज़्यादा इंक्रीज होने लग जाता है। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि ज़्यादातर जो कंप्लेंट्स है इसके वो फ्लूइड के डिसबैलेंस की वजह से हो रहे हैं। तो इसमें जो डायथीसिस है रोमैटिक और गाउटी डायथीसिस है। बात करें हम इसके म्याजम की, तो इन जनरल तो सोरिक म्याजम भी है और साइकोटिक भी है, पर प्रीडोमिनेंटली यानी कि ज़्यादातर कौन सा म्याजम इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है, वो है साइकोटिक, और साथ ही साथ ट्यूबरकुलर डायथीसिस भी होता है। अब बात करें हम साइकोटिक क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा साइकोटिक म्याजम में होता क्या है, हर चीज़ का ओवर प्रोडक्शन, ओवर ग्रोथ। तो सोडियम भी क्या करता है, वाटर को रिटेंट करता है, ठीक है, और क्या बॉडी फूली हुई सूजी दिखती है, वो एक्यूमुलेशन हो रहा है उसमें भी सोडियम का, सोडियम एंड वाटर का एक्यूमुलेशन हो रहा है ना, एक्सेस हो रहा है। तो इसी तरीके से इसका जो म्याजम भी रहता है साइकोटिक रहता है। ये तो जस्ट एक सिंपल एग्जांपल है समझने के लिए, अदरवाइज इसमें बहुत सारे एग्जांपल है समझाने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की सोडियम को या फिर जो नैट्रम ग्रुप है उसके जनरल फिजिकल जनरल्स और मेंटल जनरल्स पढ़ने से पहले अगर एक बार हम देख लें कि एलिमेंट्स फ्रॉम क्या होता है। एलिमेंट्स फ्रॉम आपको पता है क्या होता है, अगर नहीं तो समझ लेते बहुत आसान है। एलिमेंट्स फ्रॉम मतलब कि किस वजह से पेशेंट के कंप्लेंट्स अराइज हुए,
ठीक है, ऐसा क्या हुआ कि उसने ऐसे क्या काम किया जिसकी वजह से उसके कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं या फिर पेशेंट डिजीज हो जाते हैं। तो इसमें जैसे कि हमने बात किया कि सोडियम सॉल्ट की बात हो रही है इसमें, तो सॉल्ट से इसका एलिमेंट्स फॉर्म होने वाला है। सॉल्ट जिस जिस कंटेंट में होगा उससे एलिमेंट्स फॉर्म होने वाला है। सॉल्ट हो गया, ब्रेड हो गया, चीज़ हो गया, ठीक है, और मिल्क और जितने भी, ये तो हम लोगों ने फिजिकल जर्नल्स पे बात कर ली कि इसका एलिमेंट्स फॉर्म ये होगा। और मेंटल जर्नल्स पे हमें पता चल गया था कि इसको क्या चाहिए होता है, 1-to-1 रिलेशनशिप चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर ये रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटेड होता है तो हमने क्या बात की थी कि ये अपने आप को पूरे मतलब अपनी सोसाइटी से विथड्रॉ कर लेते हैं, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देता है, लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करता, अपने दुख को शेयर नहीं करता। तो एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट से और साथ ही थंडरस्टॉर्म, फ्राइट से, ये सारे इसके एलिमेंट्स फ्रॉम है, ठीक है। यानी कि इन सब चीज़ों की वजह से इसके कंप्लेंट्स अराइज होते हैं। अब बात करें हम इसकी स्फीयर ऑफ एक्शन की, तो स्फीयर ऑफ एक्शन हम इन जनरल ओवरऑल बॉडी के हर पार्ट्स में देखने को मिलता है। CNS हो, चाहे CVS हो, चाहे किडनी हो, चाहे इसका CVS हो गया, चाहे लिम्फैटिक सिस्टम हो गया, चाहे GIT हो गया, हर एक बॉडी पार्ट पर इसके कंप्लेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके मेंटल प्लेन्स पे क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। वैसे तो हम लोगों ने डॉक्टर ने सिग्नेचर में बहुत कुछ कवर कर लिया, उससे हमें ये इजीली समझ में आ जाएगा। सो के लिए स्टार्ट करते हैं मेंटल प्लेन्स पे हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो जैसे हम लोगों ने बात किया कि इसकी टेम्परामेंट क्या होती है, मेलनकॉलिक होता है। तो इसके जो सिम्टम्स होंगे मेंटल जर्नल्स के, उसमें भी मेलनकॉलिक आएगा, यानी कि इसको विपिंग टेंडेंसी होती है, ठीक है। इसको मीनिया के अटैक्स आते हैं, ग्रोथ होता रहता है पेशेंट, ठीक है। उसको सैटाइटी ऑफ लाइफ हो जाता है, जीवन से उसका मन भर जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट, तो इसमें सिम्टम आता है मेंटल प्लेन पे एंजाइटी। उसको घबराहट बहुत होती है, ठीक है, उसे हर एक चीज़ का फियर होता है, अननोन चीज़ों का फियर, ठीक है। अब एंजाइटी की बात करें तो एंजाइटी को हम बच्चे के लेवल पर अगर देखें तो जो बच्चा होता है, अगर उसकी मामा उसको अपनी गोदी से उठा के नीचे कर रही थी, क्रैडल पे लिटा रही होती है या बिस्तर पे लटा रही होती है, तो वो अपनी मम्मा को वापस क्लिंग करता है, पकड़ता है अपनी मम्मा को, ठीक है, क्योंकि उसे फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन होता है, ठीक है, एंजाइटी ऑफ डाउनवर्ड मोशन होता है। इसी तरीके से एंजाइटी ऑफ बीइंग अलोन भी होता है इन जनरल पेशेंट्स में, ठीक है। इसीलिए वो रिलेशनशिप में क्लिंग करके चलते हैं 1-to-1, क्योंकि वो डिपेंड रहते हैं इमोशनली अपने पार्टनर पे, ठीक है। नेक्स्ट जो सिम्टम आता है वो आता है वीपिंग, क्योंकि वो मेलनकॉलिक है तो ऑब्वियसली वीपिंग तो इसमें आई गई, टेंडेंसी होती है इसकी वीप करने की, ठीक है, रोने धोने की टेंडेंसी होती है इसमें। साथ ही इसमें मेन चीज़ ये है कि उसको एग्रेवेशन होता है कॉन्सोलेशन से, लेकिन अगर उसको कोई आके समझाता है कि ना मैं आपकी प्रॉब्लम्स को समझ रहा हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ आपकी दिक्कत को सुन करके, आपके साथ ज़रूर सब कुछ अच्छा होगा, तो वो क्या एग्रावेट हो जाता है, गुस्सा करने लगता है। वाई? बिकॉज उसे ऐसा लगता है कि उसकी जो कंप्लेंस है, ये जो उस पर बीती है, वो दूसरा कोई नहीं समझ सकता, तो कोई उसको झूठी संभावना तो ना ही दे तो बेहतर है। तो इसीलिए उसका एग्रावेशन फ्रॉम कंसोलेशन होता है, ठीक है। और यहाँ अपोजिट रेमेडीज बहुत सारी है, एग्रावेशन फ्रॉम कंसोलेशन पल्सेटिला भी है, ठीक है, यानी कि उनको आराम मिलता है कंसोलेशन से। बात करें नेक्स्ट सिम्टम की, तो सैडनेस, ऑब्वियसली बात है कि दुख तो रहेगा ही, उसमें दुख भी कैसा रहता है उसको, वो क्या करता है ना, जो पास्ट में उसकी अनप्लीजेंट मेमोरीज होती हैं, जो बीते पलों में उसके साथ जो बुरी बातें हुई होती हैं, उसे याद करता है, इकट्ठा करता है, फिर उसको अपना पूरा मूड बनाता है, फिर रोने रोने लग जाता है और सैड हो जाता है। तो वो एक तरीके से ना चीज़ों को ब्रूड करके रखता है, ठीक है, और साथ ही वो बहुत ग्लूमी होता है, सैड रहता है, वो अपने पास्ट में एक तरीके से स्टक रहता है, ठीक है, वो उसमें से निकलना नहीं चाहता, अपनी बार बार अपनी पुरानी बीती यादों को, अपने जितने भी उसके साथ बुरी चीज़ें हुई हैं वो याद कर करके रोने लगता है और उसमें स्टक रहता है पेशेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो सिम्टम देखते हैं वो उसमें हम देखते हैं रिजर्व्ड, पेशेंट बहुत ही रिजर्व्ड रहता है, रिजर्व्ड इन द सेंस कि जैसे भी मैंने बोला कि वो सैड रहता है, रोता है और अपनी कंप्लेंट्स को किसी से शेयर नहीं करना चाहता, अगर कोई इसको कंसोलेट करता तो वो एग्रावेट हो जाता है। तो इसी तरीके से पेशेंट क्या रहता है, रिजर्व रहता है, क्योंकि उसे समझ में आ चुका होता है, उसे ऐसा लगता है कि उसकी कंप्लेंट्स कोई दूसरा समझ नहीं सकता, जो उस पर बीती है वो कोई और नहीं समझ सकता, तो वो क्या कर लेता है, अपने चारों तरफ ना एक शेल सी क्रिएट कर लेता है, ठीक है, वो एक बाउंड्री क्रिएट कर लेता है और वो उसके अंदर रहना पसंद करता है, वो अपनी कंप्लेंट्स को, अपनी चीज़ों को दूसरे से शेयर करना पसंद नहीं करता, ठीक है, तो वो रिजर्व रहता है, इंट्रोवर्ट रहता है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है पेसिमिस्टिक, यानी कि वो बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव थॉट वाला होता है, लेकिन उसको लगता है कि उसकी लाइफ में खुश रहना इज़ नॉट फॉर हिम, मतलब खुशियाँ उसके लिए नहीं बनी हैं, कुछ ना कुछ तो बुरा होने वाला है, कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा, तो हमेशा नेगेटिव थॉट्स को लेकर चलता रहता है, वो डेल करता है वो नेगेटिव थॉट्स में। अदर अगली बात जो आती है वो होता है ओवर सेंसिटिव,
पेशेंट बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होता है और किसी भी चीज़ को लेकर के, ठीक है, चाहे वो म्यूज़िक हो, नॉइस हो, उससे उसके कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं। साथ ही मेनली जो ओवर सेंसिटिव होता है वो रिलेशनशिप को लेकर के होता है, ठीक है। अगर कुछ भी ज़रा सी भी अनएक्सपेक्टेड बात हो जाती है तो वो उसको एक्सेसिव उसके लिए रिएक्ट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो इमोशनल बहुत होता है पेशेंट, ठीक है। इमोशनल वो हर लेवल पे होता है, पर मेनली जैसे हमने बात की थी रिलेशनशिप लेवल पे बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है वो, ठीक है। अगर एक बार वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है तो वो चीज़ें भूलता नहीं है, अपनी जो बुरी यादें होती हैं ऑब्वियसली उसको वो भूलता नहीं है, और साथ ही साथ क्या हो जाता है, वो बिल्कुल अपने आप को कम्प्लीटली विथड्रॉ कर लेता है सोसाइटी से, ठीक है। लोगों से मिलना जुलना बंद कर देता है, लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर देता है, और समझता है कि लोग उसकी कंप्लेंट समझ नहीं पाएंगे, तो इस तरीके से वो अपने आप को विथड्रॉ कर लेता है, लोगों से अलोन रहने लगता है, तो सॉलिटरी हो जाती है उसमें। साथ ही पैसिमिस्टिक नेगेटिव थिंकर होता है वो। लेकिन ये जो पेशेंट होता है ये बहुत ट्रस्टफुल होता है, ठीक है। आप इन्हें कोई राज की बात बताओ तो ये कंप्लीट अपने तक रखते हैं, ठीक है। ट्रस्टफुल पेशेंट होते हैं और साथ ही बहुत रिस्पॉन्सिबल पेशेंट होते हैं, ठीक है। और तुम लोगों ने इसके सिम्टम्स पढ़े हैं, ब्रूडिंग नेचर होता है इसका, अपने कंप्लेंट्स को लेकर के सोचता रहता है, माइंड में सोचता रहता है, बिल्डअप करता है, ठीक है, और फिर उसको लेकर के रोने लगता है। तो ये तो सारे इसके हम लोगों ने मेंटल जनरल्स कर लिए। अब बात करते हैं हम इसकी फिजिकल जनरल्स, ठीक है। तो फिजिकल जनरल्स पे क्या देखने को मिलेगा हमें, एनीमिया और क्लोरेटिक पेशेंट होते हैं, एनेमिक, क्योंकि अभी हमने बात की कि जो सोडियम होता है वो ब्लड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनमें अल्टरनेशन करता है, तो एनेमिक और क्लोरेटिक पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। उनकी पेल वैक्सी स्किन होती है। अब अगर हम बात करें कि एनेमिक क्यों, तो भी बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि हमने बात किया कि सोडियम क्या करता है, फ्लूइड का बैलेंस करता है। अगर फ्लूइड का डिसबैलेंस हो जाए, जैसे कि मान लेते हैं उसको अगर एक्सेसिव मेंसेस हो जाए पेशेंट को, फीमेल को, या फिर मेट्रोरेजिया मेनोरेजिया हो, तो क्या होगा, फ्लूइड लॉस हो रहा है, ठीक है, ब्लड लॉस हो रहा है, तो उससे क्या होगा, वो एनेमिक रहेगा और क्लोरोटिक रहेगा, ठीक है। मतलब उसकी ग्रीनिश टाइप स्किन रहेगी और एनेमिक रहेगा, वैक्सी स्किन रहेगी, हल्दी की तरह पीला पीला उसका स्किन रहेगा, ठीक है। वो जॉन्डिस नहीं है, बट मतलब उसकी स्किन जो होती है डिवॉइड ऑफ RBCs, यानी डिवॉइड ऑफ रेड ब्लड सेल्स रहेंगे, ठीक है, इसलिए वो एनेमिक देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। और क्या होगा कि इनमें जो होता है ना फिजिकल जनरल्स में देखने को मिलता है कि हेडेक रहता है किन लोगों में ज़्यादा, जो एनेमिक स्कूल गोइंग गर्ल्स होती हैं, ठीक है। स्कूल गोइंग गर्ल्स एनेमिक इनमें ज़्यादा इसलिए रहती हैं क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं ना जो स्कूल गोइंग गर्ल्स होती हैं वो क्या करती हैं, सुबह का जो मॉर्निंग नाश्ता जो होता है वो स्किप कर देती हैं, ठीक है, और धीरे धीरे उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होती है, और साथ साथ मेंसेस में भी अगर एक्स्ट्रा प्रोफ्यूज मेंसेस हो गए तो भी वो ब्लड लॉस हो रहे हैं, तो एनेमिक रहती है। और हेडेक ड्यूरिंग स्कूल गोइंग इसलिए है बिकॉज स्कूल ज़्यादा दिन के टाइम पर होता है, तो इसका जो हेडेक रहता है वो सन से एग्रावेट होता है, तो इसलिए हेडेक, क्लोरिक और एनेमिक स्कूल गोइंग गर्ल्स देखने मिलता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट सिम्टम अगर हम देखें तो वो क्या होता है, इसमें पीरियडिसिटी, हर कंप्लेन की इसकी पीरियडिसिटी रहती है। लाइक अगर उसके जो कंप्लेन है वो आज किसी एक टाइम पर आए, मान लेते हैं अगर सुबह से लेकर के दोपहर तक आज से कंप्लेन रहे, तो कल भी सेम टाइम पे उसको सुबह से लेकर दोपहर तक सेम कंप्लेन रहेगी, हेडेक हो चाहे जो, ठीक है, या फिर एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे पे सेम टाइम पे कंप्लेन उसकी रहेगी अल्टरनेट डेज पे, ठीक है। इन जनरलिटीज अगर हम इसकी पीरियडिसिटी देखें तो वो हमें समर वेदर में ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि गर्मियों के मौसम में इसके कंप्लेंट्स अराइज होते हैं, हर गर्मी के मौसम में इसके कंप्लेंट्स वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सिम्टम है वो है इमेसिएशन, ठीक है। इमेसिएशन मतलब कि पेशेंट होता है थिन स्क्रॉनी होता है, पतला दुबला होता है, ठीक है, चाहे जितना भी खा पी ले वो पतला दुबला रहता है। क्यों? क्योंकि जो सोडियम होता है ना वो क्या कर देता है, सेल्स का सेलुलर एक्टिविटी को क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है, बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है बॉडी की वो ज़्यादा बढ़ जाती है। पेशेंट को भूख तो बहुत लगती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ी हुई है तो भूख ज़्यादा लगेगी, तो खाएगा पिएगा, लेकिन मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ी हुई है तो जल्दी ही जल्दी सब कुछ बॉडी में से चला भी जाएगा, क्योंकि एक्टिविटीज़ मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ी हुई है तो जितना ज़्यादा कंजम्पशन करेगा उतनी जल्दी उसका ब्रेकडाउन भी हो जाएगा, तो इसीलिए उसमें इमेसिएशन रहता है, ठीक है, वो पतला दुबला रहता है और डेबिलिटेटेड रहता है, कमज़ोर रहता है, क्योंकि उसकी बॉडी में जितना भी वो खा पी रहा है वो जल्दी ही सारा मेटाबोलाइज हो जा रहा है, तो उसकी बॉडी में उतना न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है उसको, और साथ ही साथ वो लूज़ भी कर रहा है, फ्लूइड लूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ फ्लूइड की वजह से भी उसको डेबिलिटेशन रहती है, ठीक है। तो ये तो उसकी डेबिलिटी और हम लोगों ने देख ली इमेसिएशन। अब नेक्स्ट जो कंप्लेन आती है वो होती है इसकी थर्स्टी, पेशेंट थर्स्टी बहुत रहता है, और साथ साथ इसके टंग की अगर हम अपीयरेंस देखें
तो टंग पे हमें मैप्ड टंग मिलता है, ठीक है, कभी उभरी हुई कभी नीचे, कभी उभरी हुई कभी नीचे, ठीक है। अब अगर हम रिंग वॉर्म देखें तो इसमें रिंग वॉर्म टंग ज़्यादा देखने को मिलता है हमें। जैसे कि अगर हम लोगों ने रिंग वॉर्म का अपीयरेंस देखा हो तो बीच से तो वो क्लियर रहता है, पर साइड साइड से उसकी जो मार्जिन्स रहती हैं वो उभरी हुई रहती है। तो इसी तरीके से इसके टंग पे रिंग वॉर्म्स देखने को मिलते हैं, और इसका जो टंग होता है डर्टी ग्रीनिश ब्राउनिश लेयर कवर्ड रहती है इसके टंग पे। अब बात करें तो इसका एक एबनॉर्मल सेंसेशन होता है कि जैसे ना जुबान पे कुछ बाल्स है, बार बार वो बाल निकालेगा, ठीक है, फिर उसको लगेगा बाल्स है, कुछ बाल निकालेगा, तो ये एक एबनॉर्मल सेंसेशन है। और बात करें अगर हम इसकी फिजिकल प्लेन पे, तो क्रेविंग, इसे किस चीज़ की क्रेविंग रहती है कि इच्छा होती है खाने की, सॉल्ट, ठीक है, क्योंकि हमने बात कर ली कि सोडियम सॉल्ट की ज़्यादा बात होती है इसमें, ठीक है, सोडियम क्लोराइड से सॉल्ट बन रहा होता है, तो इसे सॉल्ट की बहुत क्रेविंग रहती है, ठीक है। और फिश की क्रेविंग रहती है, और अवर्जन यानी कि जिन चीज़ों को वो मना करता है वो होता है मिल्क और ब्रेड, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जनरल मोडालिटीज़ की, यानी कि किन चीज़ों से इसके कंप्लेंट्स एग्रावेट होते हैं और किन चीज़ों से इसके कंप्लेंट्स एमलोरेट होते हैं। एग्रावेशन की बात करें तो अब हमें इतना तो समझ में आ गया कि भी मैंने बताया आपको हेडेक स्कूल गोइंग गर्ल्स में मॉर्निंग के टाइम पे सन्स की वजह से एग्रावेट हो रहा है, तो इसका जो एग्रावेशन होता है वो होता है सन से, सन रेज से, ठीक है। तो एग्रावेशन फ्रॉम सन, सन रेज और सी से होती है। सी से क्यों होती है, सी साइड से क्यों होती है, बिकॉज वहाँ आपको क्या मिलता है, जहाँ समुद्र होता है समुद्र के आसपास आपको नमी देखने को ज़्यादा मिलती है, तो डैम्पनेस से भी इसको एग्रावेशन है, तो डैम्पनेस और सी साइड से इसको एग्रावेशन है, ठीक है। और इसमें हमें मेंटल एग्जर्शन से भी एग्रावेशन है, क्योंकि वो ज़्यादा सोचेगा, ब्रूड करेगा अपनी प्रॉब्लम्स को, सप्रेस होंगी वो प्रॉब्लम्स, तो भी उसको कंप्लेंट्स और बढ़ेंगी। और साथ ही इसमें एक टाइम मोडालिटी भी देखने को मिलता है हमें, 10 AM पे इसके ज़्यादा कंप्लेंट्स आपको देखने को मिलते हैं नेटवर्न ग्रुप की रेमेडीज में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसको एमलोरेशन किन चीज़ों से मिलेगा, तो एमलोरेशन इसको मिलता है परस्पिरेशन से, यानी स्वेटिंग से, पसीने आ जाने से इसको एमलोरेशन मिलता है। अब पूरा जो ये नेटवर्न ग्रुप है इसमें हमें पता चल गया कि फ्लूइड की बात हो रही है, फ्लूइड की बैलेंस की बात हो रही है। अब अगर मान लो फ्लूइड जो होता है अगर डिस्चार्ज हो रहा है बॉडी से, तो लाइक अगर उसको परस्पिरेशन हो रहा है तो पसीना आएगा, तो फ्लूइड बाहर निकल रहा है, तो उससे क्या मिलेगा, उसको एमलोरेशन मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसको एमलोरेशन कब देखने को मिलता है, नाइट में, क्यों, क्योंकि अगर हमने बात कर ली एग्रावेशन, इसको सनराइज टू सनसेट हो रहा है, ठीक है, धूप से इसको एग्रावेशन हो रहा है, दिन में एग्रावेशन हो तो ऑब्वियसली इसको रात में एमलोरेशन मिलेगा, ठीक है, नाइट एमलोरेशन मिलेगा, और आफ्टर ईटिंग इसको एमलोरेशन मिलता है, क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों ने बात की कि इमेसिएशन होता है इसमें, ठीक है, मेटाबॉलिक रेट इसका हाई रहता है, जो भी खाता पीता है वो फटाफट वैनिश हो जाता है, तो इसकी बॉडी में लगता नहीं है, और साथ ही इसको भूख बहुत ज़्यादा रहती है, तो ये खाना खाएगा तो इसको एमलोरेशन मिलेगा, तो आफ्टर ईटिंग इसको एमलोरेशन मिलती है। तो दैट्स ऑल, ये हमारे नेटवर्क ग्रुप कंप्लीट हो गई। आई होप आपको समझ में आया हो, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं।